मेरे लिए इतना आसान नहीं था इन चीजों को चेंज करना, बहुत मुश्किल, बहुत कड़वे घुट भर के, दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लेना पड़ा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस बार नासिर भाई को लेकर अगर सर उठा के जीना है तो सर उठे हुए सर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये सर उठा ही नहीं है, कटाने के लिए भी तैयार है, कटने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, और वक्त आया तो मारने के लिए भी तैयार है। जब बात हो असूलों की तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो नजर आना भी तो जरूरी है। आपको बोलना है कि इस बार हम अपने आप को जिंदा आना चाहते हैं, मुर्दा रहना है तो रह लो मुर्दों की बस्ती में, जीना है तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए एक मजबूत कंधा होना जरूरी है, मजबूत कद काठी होना जरूरी है, और एक मर्दानगी के साथ बात करने वाला 24/7/365 एक मर्द होना जरूरी है। This video presented by Barker's Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. Leader Nasir Hussain Ustad aur puri team, main dil ki gehraiyon se aap sabka shukrguzar hu कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने साथ लिया, तो इसके पीछे भी कुछ तो वजह होगी, क्योंकि हम वो इंसान है जो कभी बिका नहीं करते, हम वो इंसान है जो कभी बिका नहीं करते, अगर खुशबू हो फूलों में तो फिर झुका नहीं करते। दोस्तों, जब बात हो असूलों की तो टकराना जरूरी है, जब बात हो असूलों की तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो नजर आना भी तो जरूरी है। आप सभी उस रब्बुल आलमीन के द्वारा बनाई हुई दुनिया के खूबसूरत फूल, जिनको की यहूदियों के द्वारा, यजीदों के द्वारा कुचला जा रहा है, मैं आज किसी के खिलाफ बात नहीं करता, हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, किसी इंसान के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई असूलों से, हमारी लड़ाई असूलों से। मैं नासिर भाई, आज मेरे ये भी 30 साल के ही दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है हम अलग पार्टी में थे, वो अलग थे, अलग हुए, लेकिन उसके बाद भी दिल तो एक, दिल तो एक है, शरीर में जब खून एक है, धड़कता हुआ दिल एक है, तो फिर दिमाग की सोच अलग है। इस दिमाग पे शैतान को हावी मत होने दो। मैं भाभी माँ की बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो रिश्ता जिंदगी भर है, लेकिन यहां पर बात रिश्तों की नहीं है, यहां बात है आपकी नुमाइंदगी की, आपके हक और हलाल की, आपके हकों की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम वोट देते हैं वो 5 साल तक उसका क्या असर आता है? 5 साल तक यहाँ तो आप मजबूरी की जिंदगी जीते हैं, यहाँ मजबूती की जिंदगी, ये आपको चुनना है। मैं नहीं बोलूंगा नासिर भाई को वोट दो, मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है कि इस बार हम अपने आप को जिताना चाहते हैं, मुर्दा रहना है तो रह लो मुर्दों की बस्ती में, जीना है तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए एक मजबूत कंधा होना जरूरी है, मजबूत कद काठी होना जरूरी है, और एक मर्दानगी के साथ बात करने वाला 24/7/365 एक मर्द होना जरूरी है। आज अगर कमर साहब के बाद इस शहर को अगर सही मायनों में, अगर कोई सही मायनों में, अगर लोगों के जज्बात को अगर कोई समझ सके,
उनके बीच में रहकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके, वो एक नासिर। हमारे लिए इतना आसान नहीं था इन चीजों को चेंज करना, बहुत मुश्किल, बहुत कड़वे घुट भर के, दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लेना पड़ा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस बार नासिर भाई को लेकर, क्योंकि मुझे नासिर से ज्यादा आप लोगों से मोहब्बत है, आपकी कौम से मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि आप फक्र के साथ, मजबूती के साथ इस हिंदुस्तान में रहें और सर उठा कर रहें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता। अल्लाह का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता। कुरान का फरमान है कि ईमान कभी झुक नहीं सकता। अगर सर उठा के जीना है तो सर उठे हुए सर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये सर उठा ही नहीं है, कटाने के लिए भी तैयार है, कटने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, और वक्त आया तो मरने के लिए भी तैयार है। आप सभी जिंदा, अगर ये हौसला आने वाली 10 तारीख को दिखाओगे दोस्तों, तो वाकई हम जिंदाबाद है, वरना मुर्दा, वरना हम मुर्दा है। अगर जिस्म में आत्मा है तो उस आत्मा को झंझोड़ो, अपने दिमाग को झंझोड़ो, फिर यहां से फैसला लो कि आज हमारे हक के लिए कौन खड़ा होगा। आज देश टुकड़े टुकड़े हो चुका है। अरे तुमने मंदिर बांटे, मस्जिद बांटी, शिवालय बांटे, बांट दिया भगवान को। तुमने मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, शिवालय बांटे, बांट दिया भगवान को। अब तो रहम करो, मत बांटो इंसान। दुश्मन कितना भी जोर लगा, हमारे सामने एक ही एम है कि इस मुल्क को जो आज बर्बादी के गर्क में जा रहा है उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए एकता जरूरी है। भारत की अखंडता आप लोगों में बसती है। मैं अक्सर कहता हूं, जिन जो लोग भी मुझे सुनते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरी बात को दिल पे लीजिए, घर पे जाके सोचिएगा क्या गुरमीत भाई क्या बोले, क्यों बोले, किस लिए बोल रहे हैं। यह मुस्लिम चौक कर्नाटक की मेन विधानसभा है। आप आज विधानसभा के आप नुमाइंदगी कर रहे हो। नासिर उस्ताद तो आपका सेवक है, जैसे कि हम सेवक है वैसे वो भी आपका सेवक है, सेवादार है, चौकीदार नहीं, सेवादार। चौकीदार से भी बचना है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चार पिल्लर जब तक एक साथ है ये हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा है। एक भी पिल्लर अगर इसमें से गिर गया, इसकी मजबूत नींव कमजोर हो जाएगी, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, देश की अखंडता छिन्न भिन्न हो जाएगी। अगर देश की अखंडता चली गई दोस्तों, तो आप और हम कहां जाएंगे। आज रोते बिलखते बच्चे माओ से पूछते हैं कि मां रात को आटा नहीं है, घर में खाना कैसे बनेगा। क्या इसके ऊपर किसी ने विचार किया, गरीबों में राशन बांटने से गुजारा नहीं होगा, आपको नौकरियां देनी पड़ेंगी। आप नहीं दोगे हम पैदा करेंगे, इतनी ताकत लाओ। अरे ज्यादा हम जब वोट देके इनको कुर्सी पे बिठा सकते तो हम अपने लिए क्या नहीं कर सकते। जिस दिन खुद करने पे आओगे मोहताजी से बच जाओगे, और मोहताजी से बचना है तो एक मजबूत सशक्त लीडर को आपको चुनना पड़ेगा, जो कि लीडर आपकी नजरों में है, उसकी नजर में वो आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, आपका सेवक है। आपकी नजर में उसको लीडर मानो, अपने आप को आपका सेवक मानता है। नासिर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं वो मैं ये, वो हमेशा रोड के ऊपर मुलाकात, आम आदमी की प्रॉब्लम को सुना, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान। आज देश की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले अपना शहर तो कुछ करो।
अगर शहर को आप सुधारोगे तो यह देश सुधरेगा। इसलिए मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, भाइयों अगर हमने सोचने पर मजबूर हुए तो आप लोग भी सोचिए। खाली मीटिंग में आके हाथ उठाने से, जिंदाबाद लगाने से काम नहीं चलेगा ना, बिल्कुल भी। दिल की गहराइयों से साथ तो देना है, अपने आप को मजबूत करो ताकि आप इस गंदे कानून के शिकार ना हो, गंदी राजनीति के शिकार ना हो, षड्यंत्रों से बचाओ। कौम को जिंदा रखना है तो कौमी एकता की जरूरत है, और कौमी एकता तभी होगी जब वोट को बटने से बचा दो। सीट बचती है दोस्तों, हर एक की सीट बचती है, सीट कहीं नहीं जाती, सीट यही रहेगी। फर्क इतना है कि आपको डिसाइड करना है कि इस सीट पे किसको बिठाना है जिसकी वजह से यह सीट बचे। बस बस बस, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आखिरी में एक ही बात कहता हूं कि फानुष बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आने वाली 10 तारीख को नासिर भाई के हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय कर्नाटक।